अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर है, 2010 मॉडल है। गाड़ी में मसला ये है, इसकी टी बेल्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड की लाइट आ रही है। गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट की है तो मीटर में आप देखें, यहाँ पर इसकी लाइट आएगी। वो डोर बंद करें ज़रा। ये आ रही है टी बेल्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये लाइट आ रही है। सबसे पहले गाड़ी को बंद कर लेना है, इग्निशन स्विच ऑन करना है। ये इसका लगा हुआ है बटन ऑटो ट्रिप, इसको सबसे पहले ए पे लेके आना है। ये बी ए, ठीक है। इसको पहले 00 करेंगे, इसको प्रेस कर देना एक। ये 00 हो गया, इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका 00 हो जाएगा। अब बी पे जाके ये 1363 बता रहा है, इसको भी 00 होना चाहिए। इसके लिए हम बटन को प्रेस कर देंगे, ये 00 हो गया। अब हम इसको स्विच को बंद कर देंगे। स्विच बंद करो, बटन आपने पकड़ के रखना है और 5 सेकंड वेट करना है, फिर उसके बाद इग्निशन स्विच ऑन करना है। 3 4 5 इग्निशन ऑन करो। ये देख सकते हैं टी बेल्ट मेंटेनेंस रीसेट हो रहा है। ये हमारा ओके हो गया। ओके, ठीक है। इसको 10 पे हमने सेट कर देना है, आप 15 पे भी कर सकते हैं। एक का मतलब है 10,000। अगर आप 10 पे करेंगे तो आपकी गाड़ी 1 लाख चलने के बाद दोबारा लाइट आ जाएगी। तो हम इसको 1 लाख पे सेट करेंगे, 10 पे सेट कर देते हैं। बटन को प्रेस करके रखना है, जब तक यहाँ पे कंप्लीट शो नहीं करेगा तब तक आपने बटन को नहीं छोड़ना। ये कंप्लीट हो गया, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। लाइट इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं आएगी। अगर वीडियो की नहीं समझ आई तो दोबारा इसको देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं लाइट अब इसकी नहीं आ रही। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।